Hey guys, welcome back to my new vlog. तो आज देख सकते हैं घर में कौन है. एक्चुअली मेरा बुआ लोग आए हैं. तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं यहाँ चाय से स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पर रोटी बनाने के लिए भी फटाफट बनाती हूँ. उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं. क्या कर क्या बनाती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, कहाँ जाते हैं, सब कुछ दिखाऊंगी. बने रहिएगा मेरे व्लॉग पर. एक्चुअली इतना दिन से मतलब बुआ लोग आएगा आएगा बोल के था, लेकिन मतलब कंफर्म नहीं था कि कब आएगा बोल के, लेकिन अचानक से आ गया. तो इसलिए मैंने आप लोगों को पहले ब्लॉग में कभी भी नहीं बताया. तो आज अचानक से आप लोगों के साथ शेयर करें. सुबह सुबह ही मतलब बुआ लोग आ गए थे, 7 बजे तक आ गया था. तो यहाँ पर अभी उन लोगों के लिए मतलब ब्रेकफास्ट बना रही हूँ मैं, क्योंकि बुआ लोग मैगी सेगी में इतना इंटरेस्ट नहीं देते. तो रोटी बना रही हूँ यहाँ पर. तो अच्छा लगता है घर पर कोई आने से. और हम लोग बुआ लोग के बीच मतलब मैं और बुआ लोग हम लोग इतना ज़्यादा क्लोज फ्रेंड की जैसा है. बड़ी बुआ तो मेरा मतलब पूरा एकदम जेरोक्स कॉपी है. मैं उनका जेरोक्स कॉपी मैं हूँ. मतलब वो जिस तरह का काम करती है, जिस तरह का बातचीत करती, सब कुछ मेरे अंदर वो भी है. और ये देखिए अभी थोड़ा पागल की तरह डांस भी कर रही थी, थोड़ा गाना भी गा रही थी, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा गंदा है मेरा. और लेकिन मुझे डांस का बहुत शौक है. बीच बीच में कभी खाना खाना बनाते बनाते, कभी गाना सुनते सुनते मैं डांस भी करती रहती हूँ, खाना भी बनाती रहती हूँ. इसी के चलते कभी कभी नमक भी ज़्यादा हो जाता है. तो यहाँ पर देख सकते हो रोटी बनाना कम्प्लीट. बस कम्प्लीट ब्रेकफास्ट. तो अभी फर्स्ट बुआ को देख के आते हैं. एक बुआ तो शायद नहाने गई है और एक बुआ नहाकर रेडी है. और नहीं, एक बुआ जा रही है सॉरी नहाने के लिए और एक बुआ नहाकर अभी बैठी हुई है. उनको सबसे पहले दे देती हूँ. और यहाँ पर वो बुआ जा चुके खाने नहाने के लिए. क्या बोलने में क्या बोल रही हूँ. और अचानक से मौसम इतना ज़्यादा ख़राब होता है ना, दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, आप लोग देखते रहिएगा. तो यहाँ पर बुआ एकदम आराम से मोबाइल में कुछ और भगवान जी का भजन सुन सुन कर खाना खा रही थी. वो खेना था ना, 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 ना. वो जो साइड जगह करते तो पहले पड़ो पड़े देखते हो जो डिपिल घरे गेसलम की कोसी ना कोसी सब देखा था. आयो आयो खाते हैं. तो बस बुआ का भी नाना हो गया. अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और मेरा पूजा दिया हुआ भी हो गया उधर, खा लेते हैं. जैसे नहीं कि अभी हम लोग का ब्रेकफास्ट खत्म. अभी थोड़ा टाइम है काम करने के लिए, देखते क्या करते हैं. हाय करो था, एरर करो था. ये अभी हाय हाय तो कार्य को तो गजब बेइज्जती है. तो यहाँ देख ही सकते, थोड़ा मस्ती करने के बाद आ गई थी मैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने के बाद एक घंटा जैसा रेस्ट किया बातचीत करके. उसके बाद यहाँ पे फिश फ्राई हो रहा है. अभी उसी से मैं बना रही हूँ फिश का सब्जी और साग बना लिया और झींगा का सब्जी बनाने बाकी. और मटन जब आएगा तब देखा जाएगा. एक ही चीज बार बार बोलता है, किसके साथ बात कर रही हो, किसके साथ बात कर रही हो. अच्छा ब्लॉगे नहीं अभी, चलिए बातें मिलते हैं. बातचीत करने में मेरी बुआ एक्सपर्ट है, लेकिन मतलब मोबाइल टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़ा सा मतलब पुराने ख्याल वाली है. बहुत सीधी सादी है, बेचारी को बहुत कुछ नहीं पता, इसलिए बार बार मुझे पूछती रहती है किससे बात कर रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ. तो मैंने उनको अच्छी तरह से बताया कि मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ, ये मेमोरी की तरह रह जाएगा मेरे फ़ोन पर. जब भी मुझे याद आएगा आप लोगों को तब मैं देख सकूँगी.
तो आप लोग भी देख सकेंगे कि आप लोग इधर आए थे और कहीं पर जाने से बोल सकते हैं कि ये देखो ये यहाँ पर गई थी, मेरा भाई का बेटी ने वीडियो रिकॉर्ड किया देख लो बोल के, तो वो सब समझा कर मैं उनको बता रही थी, तो मेरे साथ बैठ कर बात कर रही थी तब, तो इसलिए थोड़ा सा आइसक्रीम देते हैं। आइसक्रीम बुआ को बहुत पसंद है और बहुत खा सकते हैं, बुआ जिसी तरह चटरपटर है मैं भी उसी तरह ही हूँ पूरा। बहुत जोर से बारिश आया अभी। देखिए अभी इतना तेज धूप निकला है। तो वेदर का हाल तो आप लोगों को दिखाई दिया, अभी बारिश अभी धूप। तो अभी फिलहाल हम लोग का खाना बनाया हुआ खत्म, थोड़ा देर बाद खाना है, तो 12:30 बजे होता है, 2 बजे तब खाएंगे हम लोग। तब से थोड़ा सा लेक्चर मारने बैठ गई थी और बुआ को मैंने यहाँ पर एक कुर्ती दिया था पहनने के लिए, क्योंकि ये मेरे पास नया था तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बुआ पहनने के बाद, तो उनको दे दिया ये। उसके बाद यहाँ पर खाना निकालने आ गई हूँ, अभी ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, सिंपली बनाया क्योंकि हम तीन ही है खाने के लिए, अगर हाँ वो रहते तो शायद कुछ और बनाना पड़ता, क्योंकि हम लोग में अगर लड़का कोई भी मतलब आदमी कोई भी रहने से आइटम थोड़ा ज़्यादा बनता है, तो लेडीज़ पार्टी हम लोग हो जाएगा, बुआ भी बोल रहे थे कि हो जाएगा बोलते हैं ना तो बस अभी हम लोग खाना लेके बैठ गए थे। मटन आ गया था लेकिन मटन बनाने का टाइम नहीं था, तो बुआ ने बोला छोड़ो रात को ही बनाते बोल के। अभी जस्ट होके उठी हूँ और पूरा एकदम आग फुला फुला है और अभी बज रहे 5। खाना वाना खा के हम लोग थोड़ा सा लेक्चर उक्चर मार के सो गए थे, क्योंकि बहुत दिन के बाद गप्पे मारने का मौका मिला, इसलिए थोड़ा सा सो गई थी। और अभी फ्रेश होके फटाक से आती हूँ आप लोगों के सामने मेक रेडी होके बाजार जाने के लिए। तो अभी घर पर चाय नहीं पियेंगे, उधर ही जाकर चाय पियेंगे, दोनों बुआ ऑलरेडी रेडी हो चुका है, बस मुझे रेडी होना बाकी है, तो फटाफट रेडी हो जाते हैं, मिलते हैं आप लोगों से बाद में, तब तक बने रहिएगा। बुआ का एक ही बात है, फोन उठाने से कौन किसके साथ, बस यही चालू रहता है, इसलिए मेरा दांत निकल रहा था यहाँ पर। गाइस फाइनली रेडी हो गए अभी हम लोग और की म्यूजिक दे रहा है, तो बुआ भी रेडी हो गई है और एक बुआ उधर रेडी हो गए, और मैंने ये पहना है, नाम क्या है बोलता है नहीं पता, बस शर्ट, इसको बस शर्ट बोलता है, नीचे तो प्लाजो टाइप में मैंने पहना है। और अभी चलिए चलते हैं बिना देख के, ऑलरेडी 6:15 हो रहा है, फटाफट चलते हैं और क्या करते हैं क्या नहीं करते शेयर करते हैं आप लोगों को। तो चलिए फटाफट मैं पर्स ले लूँ, नहीं तो बिना पर्स के नहीं जाया जाएगा, तो चलिए चलते हैं। ये रहा हम लोग का और एक बुआ जिसे हम लोग पीछे बोलते हैं, तो देखिए पीछे ने कुर्ती पहना है व्हाइट कलर का, और यह तो बड़ी बुआ है साड़ी पहनती है। चलिए सीधा जाके बाजार में बैठ मिलते हैं आपको। कुछ दिखाने के लिए आप लोगों के साथ कैमरा ऑन किया था पर दिखाने नहीं सकी, पूरा हवा में उड़ रहा है अभी। अभी चाय और समोसा ऑर्डर दिया, देखते हैं अभी क्या कैसे आता है। बुआ लोगों के सामने बात करने में इतना ऑकवर्ड फील हो रहा है कि क्या होता है, और यहाँ का रसगुल्ला बहुत टेस्टी है। फिलहाल अभी चाय और समोसा ऑर्डर दिया है, खा लेते हैं। तो उसके बाद फिर बुआ ने बोला रसमलाई खाने का मन किया, तो रसमलाई भी लिया, और मुझे जलेबी सिंगरा के साथ जलेबी का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा तीखा मीठा, तो इसलिए मैंने जलेबी लिया मेरे लिए, और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी रहता है पतला पतला करके, तो इसलिए जलेबी लिया मैंने। तो यहाँ पर देख ही सकते, सबसे पहले सिंगरा ठूसूँगी, उसके बाद जलेबी भी ठूसूँगी आयो क्या बता रही हूँ, मतलब जलेबी खाऊँगी। तो अभी मतलब खाना चाय पीना कम्प्लीट, तो अभी थोड़ा सा स्वीट्स ले लेंगे घर के लिए, तो बुआ ले के दे रही है क्योंकि
आने टाइम में रिश्तेदार मतलब बुआ घर पर आ गई थी, इसलिए स्वीट्स लेने के लिए बता रही थी, तो मैंने दिखा दिया यही अच्छा है बोल के। उसके बाद वहाँ से निकल के हम लोग थोड़ा सा फुसका पार्टी किया। फुसका तो सबको, बुआ बड़ी बुआ को पसंद है, मुझे भी पसंद है, बीच वाली बुआ को पसंद नहीं है, तब से उन्होंने नहीं खाया। लाइन में थी लेकिन नहीं खाया तब भी। उनका एक जो एक भी लिया था पीस वो भी मैंने खा लिया। और यहाँ पर देख सकते हैं मशरूम खरीदा और एक हेयर बैंड खरीदा मैंने, क्योंकि मशरूम मेरे भाई को बहुत पसंद है, तो वही बोल रहा था कि लाने के लिए, लेकिन तब भी मेरा हस्बैंड भूल के चला गया था, लेकिन मेरे बुआ लोग के हाथ में मैं फिर देख कर भेज दिया। और यहाँ पर बस अभी ठूसा ठूस रही हूँ मैं फिर से, और मेरा हिंदी थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं इसी तरह से बोलती हूँ, मतलब बहुत दिक्कत होता है हिंदी बोलने में। तो चलिए, और यहाँ से अभी निकल के हम लोग मतलब फुसका ख़त्म करने के बाद फिर वहाँ पर आइसक्रीम खाने के लिए गए थे। मुझे मतलब ये आइसक्रीम भी पसंद नहीं है, मुझे गोला पसंद है, लेकिन गाइस अभी हम लोग का बाजार खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। अभी हम लोग विशाल में घुसेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है दिखाऊंगी। अभी चाट नहीं, फुसका खाया, आइस खाया, मैंने गोला नहीं खाया अभी तक, गोला खाना बाकी है। और बीच बीच में अंधेरा हो जाता है इसलिए, क्योंकि लाइट नहीं रहता, यहाँ पर लाइट है अभी फिलहाल। तो चलिए विशाल में जाके देखती हूँ क्या खरीदते नहीं खरीदते, और घर में जाके दिखाऊंगी। अभी जाके मटन बनाना है, फिर कल बुआ लोग चले जाएंगे, फिर और मेहमान आना बाकी है, तो दिखाती रहूँगी। इस बार थोड़ा सा अच्छा ट्रेंड्स है, तो ये ट्रेंड्स चले चलते हैं। तो यहाँ पर दीदी का बेटी के लिए मतलब बुआ लोग कुछ टी शर्ट देख रहे, देखने के बाद मैं यहाँ पर आ गई थी क्या बोलते हैं सर, बॉडी वॉश लेने के लिए। तो मुझे मेरा बॉडी वॉश नहीं मिल रहा था, सब ब्रांड का था लेकिन मेरा वाला ही मुझे नहीं मिल रहा था, इसलिए तो थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर रही थी। और देखिए आप लोग एक और चीज़ दिखाती हूँ, इतना क्यूट ये छोटा छोटा सा ग्लास, मतलब बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता इसका यूज़ किस तरह किसके लिए करते हैं। इतना छोटा छोटा। तो फाइनली वहाँ से निकल गए हम लोग, मतलब शॉपिंग ख़त्म हम लोग का, अभी बिलिंग करना है। और सर बता रही इतना ज़्यादा रश था कि क्या बताऊँ, बाप रे जितना टाइम नहीं लगा हम लोग को शॉपिंग करने में, उससे डबल टाइम लग गया लाइन में खड़ा रहने के लिए। बहुत ज़्यादा बोर लगता है यही टाइम, पूरा काउंटर फुल था, मतलब सब जगह काउंटर फुल 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 था, तो मुझे आधा घंटा जैसे ज़्यादा लग। तो सॉरी गाइस, बाजार ख़त्म करके आने के बाद थोड़ा सा हम लोग रेस्ट करते हैं। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने अचानक बोल दिया कि ठीक है मैं भी आ रही हूँ, उसके बाद लगने से सुबह चली जाऊँगी। तो मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो इससे रात हम लोग 12:30 तक हम लोग मतलब उस टाइम में खाना खा रहे थे, मैंने इसे शेयर नहीं किया था। तो फाइनली सुबह सुबह मेरे हस्बैंड तो 4 बजे निकल गए थे और बुआ लोग को छोड़ के, मतलब उनको लगा कि बुआ लोग रुकेंगे बोल के इसे छोड़ के चले गए थे, लेकिन बुआ लोग को जाना ही था, तो इसलिए बुआ लोग चले निकल गए थे 7 बजे का ट्रेन से। बहुत ज़्यादा खाली खाली लगेगा अभी घर, बुरा लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा ही। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ गाइस। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जल्दी से नया व्लॉग लेके आऊँगी, क्योंकि इस बार मेरा घर पर मेहमान ही मेहमान होगा। अभी बुरा लग रहा है बहुत, एक झटके में खाली हो गया। और मेरा बेडशीट इसलिए नहीं है क्योंकि बुआ लोग जाने के बाद हम लोग कुछ धोते नहीं है, या फिर झाड़ू मार के बाहर भी नहीं फेंकते, घर भी
पर भी पोछा नहीं लगाती थी, इसलिए मैंने फटाफट उठ के सब कर लिया। पोछा कल रात को ही मैंने कर लिया था, लेकिन आज नहीं करूँगी क्योंकि आज कोई घर में रहेगा भी नहीं। मेरा हस्बैंड उल्टा मायका चला गया है मेरे, दो और भी लोग आना बाकी है मेरे घर पर, तो दिखाऊंगी वो सब ब्लॉग में। लेकिन आज का ब्लॉग में यहीं पर एंड करती हूँ, आज और कुछ खास दिखाना नहीं है। आज बहुत ज़्यादा अभी बोर लगेगा, अभी बज रहा है 6:30, 5:30 बजे उठ के आई थी मैं, उठ के ब्रेकफास्ट बना के लोगों को खिला कर अभी जस्ट वो लोग निकले हैं, घर पूरा सन्नाटा। अभी मैं फिर से सो जाऊंगी क्योंकि क्या करूँ बैठ बैठ के। तो चले गाइस, बिना लेट के आज का ब्लॉग में यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं आप लोग से अगले ब्लॉग पर, तब तक के लिए बने रहिएगा। और अगर नए हैं तो प्लीज़ और सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय अभी।